यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो हम लोगों को खासतौर पत्रकारों को जंतर मंतर ही क्यों चुनना पड़ा, हमारी समस्याओं का समाधान सरकार ने क्यों नहीं किया। दो तीन चीजें हैं, क्योंकि तो 3-4 मिनट का मुझे समय दिया गया है, तो जल्दी जल्दी मैं उन चीजों को कह देता हूँ। पहला मुद्दा है कि पूरे देश या वर्ल्ड में भारत 5वां देश है जहाँ पत्रकारों की सबसे ज्यादा हत्याएं हुई है, और ये बहुत जो है महत्वपूर्ण मुद्दा है। सुरक्षा की दृष्टि से पत्रकारों की हमले होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा अपने भाषणों में एक बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये सबका साथ और सबका विकास में मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि कहीं पत्रकार भी आते हैं या नहीं आते, क्योंकि सबका साथ सबके विकास में अगर पत्रकार छूट रहा है तो फिर आपका ये स्लोगन अधूरा है, क्योंकि तो पत्रकारों के हित की बात इस सरकार ने 4.5 साल में कहीं नहीं की है। इतनी सारी मांगे की गई, आज तक एक मांग हमारी जो है मंजूर नहीं की गई। दूसरी बात, 2014 में जब मोदी जी को प्रधानमंत्री घोषित किया गया, उस समय इनकी जो छवि और जो हवा बनाई गई वो उसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा, मीडिया ने बहुत अपना रोल निभाया। मोदी जी को मैं मोदी जी से यही निवेदन करता हूँ कि हमारे जो 15-16 मांगे हैं महत्वपूर्ण उन पर विचार कीजिए, और अभी आने वाला समय फिर आपका आप जनता के बीच में जाएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि उससे पहले हमारी मांगों को मान लिया जाए तो हम लोग जो है आंदोलन के लिए का रास्ता ना अपनाएं। और पत्रकार दूसरे की समाज की लोगों की समस्याओं को जागृत लेता है, जनता तक पहुंचाता है, लेकिन अपनी समस्या को लेने के लिए अपनी समस्या के लिए वो सरकार के पास जाए तो ये बड़ी जो चिंतनीय बात है। सरकार को सोचना चाहिए, जल्दी से जल्दी इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई उचित कदम उठाए। और जो वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने आज धरने का आयोजन किया है, मैं अनूप चौधरी जी, नरेंद्र भंडारी जी और पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सारे देश के पत्रकारों को एक करने के लिए एक ये बहुत बड़ा आयोजन किया है, और भारतीय भाषाई समाचार पत्र संगठन ने हर तरीके से इसमें समर्थन दिया है, और आगे भी अगर कोई सरकार के को जगाने के लिए कोई आयोजन किया जाएगा तो उसमें भी हर तरीके से मेरा संगठन पूरी तरीके से सहयोग देगा। धन्यवाद।